आज की वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है बैक वर्कआउट के लिए और इसमें जिम वर्कआउट और होम वर्कआउट दोनों के बारे में बात की जाएगी। कहने का मतलब आपको जो भी एक्सरसाइज बताई जाएंगी आप लोग इनको जिम में कर सकते हो, होम में कर सकते हो, इक्विपमेंट के साथ भी कर सकते हो और आप बिना इक्विपमेंट के भी आसानी से इनको कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिना इक्विपमेंट के आसानी से अपने बैक को ट्रेन कर सकते हो। और अगर आप लोग हमारी वीडियो हमेशा देखते रहा करते हो तो आपको पता होगा हम जो भी एक्सरसाइज के बारे में बात किया करते हैं उसमें जिम वर्कआउट और होम वर्कआउट दोनों के बारे में बात की जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और आपके बैक को एक प्रॉपर शेप मिलने वाला है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार का शेप आपकी बॉडी को धीरे धीरे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 हफ्ते में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में आपकी बॉडी और आपका बैक एक प्रॉपर शेप में आने लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी जिम वर्कआउट के बारे में। और जिम वर्कआउट में सबसे पहली एक्सरसाइज है पुलअप, और नॉर्मल पुलअप की जगह आप लोग यहाँ पे लगाओगे वाइड ग्रिप पुलअप। आपके हाथ थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग पुलअप को परफॉर्म कीजिएगा। एक्सरसाइज के वक्त काफ़ी लोगों से 2-3 मिस्टेक हुआ करती है और जिनकी वजह से उनके बॉडी पार्ट्स ट्रेन नहीं हो पाते, और आपको मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप लोग आज से ही उन मिस्टेक को अपनी लाइफ से हटा दीजिएगा। सबसे पहले मिस्टेक, पुलअप लगाते वक्त आपकी बॉडी शेक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोगों की बॉडी आके पीछे झूलने लगा करती है। इससे होता क्या कि जब भी आप लोग ऊपर की ओर जाते हो तो आपकी बॉडी में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और जिस वजह से आपकी बॉडी पार्ट्स अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाते और आपके बैक में कोई भी इफेक्ट नहीं मिल पाता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके बॉडी को कंट्रोल कीजिए और आपकी बॉडी शेक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोग आधा ही नीचे आते हैं उसके बाद वहाँ से वो लोग ऊपर पहुँच जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पुलअप आप लोग फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कीजिएगा, यानी कि पूरा ऊपर आइएगा और पूरा नीचे जाइएगा। इस एक्सरसाइज के आप लोग 3 से 4 सेट लगा सकते हो, हर एक सेट रहेगा 10 से 12 रेपिटेशंस का, और हर एक सेट लगाने के बाद आपको छोटा सा रेस्ट ले लेना है। इसके बाद आ जाती है सेकंड एक्सरसाइज, इसका नाम हुआ करता है डेडलिफ्ट। काफ़ी सिंपल हुआ करती है, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो कैसे आपको करना है। इसमें लोगों से सिर्फ छोटी सी मिस्टेक हुआ करती है। पहली मिस्टेक ये हो जाती है कि वो लोग ज़्यादा भारी वेट उठा लेते हैं, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में एक हल्का वेट लेना है, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे से उस वेट को इंक्रीज कीजिएगा। और दूसरी मिस्टेक, लोगों का पोस्चर, अगर इस एक्सरसाइज में आपका पोस्चर रॉन्ग हो गया तो फिर आपको चोट आ सकती है या फिर आपकी बोन यहाँ वहाँ हो सकती हैं, इसीलिए ध्यान रखना है आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए और आपका वेट लाइट होना चाहिए, फिर आप लोग धीरे धीरे से वेट को इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है थर्ड एक्सरसाइज, इसका नाम है सीटेड केबल रो। कैसे करना आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो, मशीन की हेल्प से आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होगे तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होना चाहिए, जिस वजह से आपका बैक एक प्रॉपर शेप में आने लगा करता है। इसके टोटल आप लोग कीजिएगा 4 सेट और 15 से 18 रेपिटेशन आप रखिएगा। इसके बाद आ जाती है फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज, ये भी रहेगा जिम वर्कआउट में ही, और इसका नाम हुआ करता है पुल डाउन। कैसे करना आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो, मशीन की हेल्प से आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। इसके भी टोटल रहेंगे 4 सेट और 15 से 18 रेपिटेशन। इस एक्सरसाइज में आपकी बैक यानी जो आपकी वर्टेब्रा है वो सीधी होनी चाहिए, आपको सामने की ओर या फिर पीछे की ओर बेंड नहीं होना, वरना पोस्चर आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आप लोग आसानी से इन चारों एक्सरसाइज को कर सकते हो, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पास हमने जिम वर्कआउट के बारे में बात कर लिया है, अब बात आ जाती है आपके होम वर्कआउट की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, होम वर्कआउट में किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहली एक्सरसाइज, इसका नाम हुआ करता है सुपरमैन एक्सरसाइज। काफ़ी सिंपल है, कैसे करना आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो, आराम से आप लोग इसके 3 से 4 सेट कंप्लीट कर सकते हो, और इससे आपका बैक काफ़ी तेज़ी से स्ट्रांग होगा और उसे एक वाइड शेप मिलने वाला है। इसके बाद आ जाती है दूसरी एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्वामैन। इसे भी आप लोग आसानी से कर सकते हो, बिना किसी इक्विपमेंट के आप लोग जहाँ चाह वहाँ पे कर सकते हो, आपका बैक स्ट्रांग होगा और इसके साथ साथ ही आपके आर्म्स भी ट्रेन होने वाले हैं। इसके भी आप लोग कीजिएगा टोटल 4 सेट। इसके बाद आ जाती है तीसरी एक्सरसाइज, इसका नाम है भुजंग आसन। काफ़ी सिंपल हुआ करती, कैसे करना आप लोग वीडियो में देख सकते हो, स्लो मोशन में आपको दर्शाया गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग आसानी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका टोटल आप लोग कीजिएगा 4 सेट और बैक के साथ साथ आपकी बाकी बॉडी पार्ट्स भी ट्रेन होने वाले हैं, इसीलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और इसको कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है लास्ट एक्सरसाइज, इसका नाम है कैट स्ट्रेच। इसमें आपकी बॉडी काफ़ी तेज़ी से स्ट्रेच हुआ करती है और आपकी लैट मसल्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर आया करता है।
जिस वजह से आपकी बॉडी का जो बैक का हिस्सा हुआ करता है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रेन हुआ करता है और उसको एक प्रॉपर शेप मिला करता है। इसके भी आप लोग टोटल कर सकते हो 64, बाकी रेप्स आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बैक वर्कआउट के राजा के बारे में, यानी किंग ऑफ बैक वर्कआउट, और इसका नाम हुआ करता है पुल अप। अगर आपके पास कोई भी एक रॉड नहीं है या फिर आपके घर के आसपास कोई पार्क या फिर गार्डन नहीं है जहाँ पे आप लोग पुल अप एक्सरसाइज को कर सको, तो आप लोग दीवार में झूलकर भी आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हो। कैसे करना है वीडियो में दिखाया गया है, और इसके रेप्स आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आप लोग नॉर्मल पुल अप भी कर सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो फिर वाइड ग्रिप पुल अप भी आप लोग कर सकते हो। अगर आपसे हो सके तो फिर वाइड ग्रिप वाले कीजिएगा, क्योंकि इसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको मैंने टोटल जिम के लिए बताई हैं 4 एक्सरसाइज, और होम के लिए मैंने आपको टोटल बताई हैं 4 एक्सरसाइज, और इसमें एक और एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी थी पुल अप। अगर आपके पास रॉड नहीं है तो आप लोग दीवार में झूलकर भी आसानी से कर सकते हो, मैंने ये चीज़ भी बताया है, और आप लोग इसके रेप्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या फिर पुल अप के आप लोग टोटल 8 से 10 रेपिटेशंस एक सेट में रख सकते हो। बस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।